गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ आटे का लच्छेदार पराठा। यहाँ पे मैंने 5 कप आटा ले लिया है, ये नॉर्मल आटा है। ये देखिए, ऐसे जगह बना लेंगे और इसमें सबसे पहले ये दूध डालेंगे 1 कटोरी, और इसमें 1 छोटा चम्मच चीनी डालेंगे और 1 छोटा चम्मच नमक, और यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अब इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करें और नॉर्मल पानी से इसकी गुथाई करेंगे। ये देखिए, अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूंथेंगे। इसे अच्छे से 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से गूंथ लें। इसका नरम ही आटा लगेगा। ये देखिए, मैंने आटा गूंथ लिया है। अब इस पे रिफाइंड ऑयल लगा देंगे। ये देखिए, इस पे तेल लगा दिए हैं। अब लच्छेदार पराठा बनाना चालू करते हैं। ये देखिए, गैस पे मैंने तवा रख दिया है, गैस को ऑन कर दिया है। तवा अच्छे से गर्म हो जाए तब तक यहाँ पे मैं ये लच्छेदार पराठा बनाना आपको बताती हूँ। ये देखिए, एक लोई लेंगे, तेल अच्छे से इस पे लगा रहे, एक लोई बनाएंगे। ये देखिए, इसको बेल लेंगे, अच्छे से तेल लगा लें। बेलन पे भी तेल लगा लें। ये पिज्जा कटर मैंने लिया है, अब इसी से कट करेंगे। अगर पिज्जा कटर ना हो तो आप चाकू से भी काट सकते हैं। ऐसे पतला पतला काटते जाएंगे। जितना पतला काटेंगे उतना ही लच्छेदार पराठा आपका बनके तैयार होगा। ये देखिए, ये कट चुका है। अब इस पे तेल लगा देंगे रिफाइन ऑयल। अब इसको ऐसे ही खट्टा करते जाएंगे, ऐसे मोड़ मोड़ के। ये देखिए, और इसको थोड़ा सा हल्का सा ऐसे खींच लेंगे। आप इसकी एक लोइया बना देंगे। ये देखिए, इसे घुमाते हुए इसको ऐसे ऊपर रख लेंगे, इसको ऐसे दबा देंगे। अब इसको बेलेंगे बेलन की सहायता से। ये देखिए,
तवा हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, इसको उठा के तवे पे डाल देंगे, इसको सिकने देंगे। तब तक एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। एक लोई ले लेंगे, इसको फिर से बेलेंगे। इसको फिर से कट करेंगे। अब इस पराठे को मैं पलट देती हूँ। ये देखिए नीचे से अच्छे से सिक चुका है। और इस पे तेल लगाएंगे, ऑयल। अच्छे से ऑयल लग चुका है। अब फिर से इसको कट कर लेंगे पतला पतला में। ये देखिए अब इस पे भी तेल लगा देते हैं। ये देखिए मैंने पराठा को पलट दिया है, इसमें फिर से तेल लगा लेंगे। ये देखिए ये पराठा बन चुका है, इसको निकाल लेते हैं। गैस को धीमा ही कर देते हैं। अब इस पराठे को अब फिर से ये पराठे को अच्छे से ऐसे मोड़ लेंगे जैसे उस पराठे को मोड़ा है। इसको इसको थोड़ा सा हल्के से खींच लेंगे। ये देखिए इसको भी मैंने उसी तरह लोई बना लिया है, इसको भी बेल लेंगे। इसको भी तावे पे डाल देंगे। ये देखिए अब इसको पलट देते हैं, इस पे तेल लगा देंगे। ये देखिए इसको फिर से एक बार पलट लेते हैं और इधर भी तेल लगा देते हैं। अच्छे से तेल लग गया है, इसको फिर से एक बार पलट देते हैं और इसको भी बनाते हैं। इस पे ऑयल लगाते हैं। इसको फिर से उसी तरह मोड़ते लाएंगे। इसको हल्का सा खींच लेंगे और ऐसे घुमाते हुए उसकी लोई बना लेंगे। ये ऊपर ऐसे चिपका देंगे। ये देखिए अब इसको बेल लेते हैं, इसको एक बार पलट देते हैं। ये हो चुका है, इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। ये देखिए एकदम लच्छेदार आपको दिखाई दे रहा होगा, एकदम लच्छेदार पराठा बनके तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको ऐसे एक बार कर दें, एकदम अच्छे से लच्छेदार बनके तैयार हो जाता है। इसको प्लेट में निकाल लेते हैं, इसको पलट लेते हैं। इस पे तेल मैंने लगा दिया है, इसको एक बार पलट देते हैं नीचे से अच्छे से सिक जाए। ये देखिए ये भी पराठा अच्छे से सिक चुका है, इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए लच्छेदार पराठा बनके तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं ये कितना लच्छेदार बन के तैयार हुआ है। ये पूरा इसमें से निकल निकल के बिखर चुका है, आप देख सकते हैं। ये देखिए और ये भी ये रख देते हैं नीचे। ये देखिए
ये देखिए कितना लच्छेदार पराठा बनके तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर ये रेसिपी आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।